नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो ऋषि आपका एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साल के उस महीने की जिसमें बारिश का मौसम अपनी चरम पर होता है। बूंदों की सरगोशी से सौंधी मिट्टी महक उठती है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सातवें महीने यानी जुलाई माह की, जिसमें जानेंगे कि जुलाई का महीना राशि चक्र की 12 राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है, क्या उपाय करके आप अपने 31 दिनों को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही में मैं आपको जानकारी दूंगा इस महीने कौन कौन से तीज त्योहार आपको मिलेंगे, किस ग्रह गोचर या ग्रहण का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा जुलाई के महीने में कौन कौन से विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त और वाहन खरीदने के मुहूर्त बन रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अच्छा हो सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत यह अच्छा दिखाई देता है। रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा है, रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए विशेष सावधानी अपेक्षित है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए यह महीना आशा का संचार करेगा। पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अच्छी भावनाएं भी विकसित होंगी। विवाह से संबंधित फैसले लेने होंगे। नीच राशि में मंगल है और शनि से दृष्ट है, इसलिए दाम्पत्य जीवन कुछ कष्टप्रद भी होगा। कैरियर की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। दशम भाव में मंगल बैठे हैं इसलिए स्थिति अच्छी रहेगी, कार्य के प्रति उत्साह रहेगा। मंगल नीच राशि में है और शनि से दृष्ट है, इस कारण कुछ परेशानियां या समस्याएं भी दिखाई देती हैं। नौकरी पेशा लोगों को वाद विवाद से बचना चाहिए, इसलिए सावधानी बरतें। व्यापारी वर्ग को सफलता मिलेगी किंतु श्रम अपेक्षित होगा, श्रम करने से ही सफलता दिखाई देती है। 20 जुलाई को मंगल लाभ भाव में जाएंगे, इससे व्यवहार की बाधाएं दूर होंगी, बिजनेस बढ़ेगा और लाभ भी होने लगेगा। आर्थिक रूप से यह माह तुला राशि के लिए लाभ देगा क्योंकि गुरु आय भाव को देख रहे हैं, आय के अनेक अवसर आपको मिलेंगे, पुराने आय के स्रोत भी आपको नियमित आय देते रहेंगे। दूसरे भाव में केतु के विराजमान होने से कुछ चुनौतियां भी बढ़ेंगी, ग्रह योग अनुसार निवेश की भावना आएगी, धन संबंधी निर्णय लेंगे। 20 जुलाई को मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके आय के नए स्रोत आपके पुरुषार्थ के प्रभाव से और भी मजबूत होंगे, धन का आगमन होने लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पारिवारिक सुख जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव वाले होंगे। दूसरे भाव में केतु और चौथे भाव में शनि की उपस्थिति के कारण पारिवारिक सुखों में बाधाएं दिखाई देती हैं। मंगल और शनि के चतुर्थ भाव पर प्रभाव के कारण यह समय परिवार के सुख के लिए अच्छा नहीं है, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद और झगड़े दिखाई देते हैं। सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और बहुत आवश्यक होने पर ही कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। 20 जुलाई को मंगल के राशि परिवर्तन की स्थिति से बदलाव आएगा और पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, यह चिंताएं जल्दी नहीं जाएंगी। इस माह में संतान पक्ष अपने कर्तव्यों से उदासीन दिखाई देता है, सभी प्रकार के कल्याण के लिए मध्यम चरित्र का पाठ करें। चलिए अब बात कर लेते हैं जुलाई 2021 में पड़ने वाले प्रमुख तीज त्योहारों की। सबसे पहले 5 जुलाई 2021 को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी, फिर 12 जुलाई 2021 को जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ होगा, वहीं 20 जुलाई 2000 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और 24 जुलाई 2021 को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। यदि आप इन तीज त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप hindi.astroyogi.com पर विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की। पहले बात करते हैं विवाह मुहूर्त की। जुलाई माह में विवाह के लिए सबसे कम मुहूर्त मिल रहे हैं,
इस माह में विवाह के लिए केवल 5 तारीखें ही शुभ हैं। जुलाई में आप 1, 2, 7, 13 और 15 तारीख को शुभ विवाह कर सकते हैं। गृह प्रवेश की मुहूर्त की शुभ तारीख 1, 17, 24 और 26 जुलाई है। इसके अलावा नया वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 2, 7, 26 और 29 जुलाई की तारीख शुभ मानी गई है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की। तो 7 जुलाई बुधवार को सुबह 9:26 पर बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। फिर 16 जुलाई शुक्रवार को सूर्य शाम 5:09 पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र सिंह राशि में 17 जुलाई को शनिवार को सुबह 9:38 पर प्रवेश करेगा। वहीं 20 जुलाई मंगलवार को मंगल शाम 6:19 पर सिंह राशि में गोचर करेगा। आखिर में 25 जुलाई रविवार को बुध सुबह 11:49 पर कर्क राशि में गोचर करेगा। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो योगी एस्ट्रोलॉजर ऐप डाउनलोड करें या स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें वीडियो से संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं।